तो दोस्तों स्वागत है आपका काइट बाजी में। तो आज हमारे साथ है रिंकू भैया। रिंकू भैया मतलब रिंकू लेफ्टी, तो आइए हम उसको मिलाते हैं। तो ये हमारे रिंकू भैया जी, आप सब जानते हैं रिंकू लेफ्टी के नाम से। तो रिंकू भैया देखिए शानदार पतंगे, लेकिन रिंकू भैया भी पतंगे बना ही रहे हैं। और ये देखिए स्टार है, स्टार के अंदर एक और स्टार भरने जा रहे हैं। तो आइए रिंकू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आइए आपसे कुछ वार्ता करते हैं पतंग पे। दोस्तों देख सकते हैं रिंकू भैया, देखिए अभी भी हम आए हैं और देखिए ये बड़ी प्यारी पतंगे बना रहे हैं। और ये देखिए खूब सारी कलेक्शन जो रिंकू, ये सब सारी पतंगे बनी हुई है कि अभी बन रही हैं? नहीं बननी नहीं है, अब अगर आप कहेंगे तो इसको जोड़ के हम बना देंगे। अच्छा, ये अभी तो बिल्कुल अभी फरमाई काटा। हाँ, फरमा कटी हुई पतंग है। अच्छा, ये देखिए खूब सारी प्यारी प्यारी पतंगे हैं। तो रिंकू भैया सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये पतंग का सफर आपका शुरू कैसे हो, मतलब कहाँ शुरुआत हुई पतंगबाजी की, कौन सी क्लब आपने ज्वाइन किया, और क्या अभी भी पतंगबाजी करते हैं आप? थोड़ा बहुत करते हैं, कोई पर्सनली कोई अब टीम से एसोसिएट नहीं है आप? कोई वो नहीं है, नहीं है। छत से कर लिए तो कर बस। शुरू में स्टार्टिंग में लड़ाते थे बहादुरगंज काइट क्लब। बहादुरगंज का? हाँ। अच्छा। वो बहादुरगंज का था। अच्छा, उसके बाद फिर लड़ाया श्री गणेश लड़ाया, वो उन्हीं का क्लब था। अच्छा, फिर उसको छोड़ा, फिर हमने शकील काइट क्लब में लड़ाया। शकील काइट क्लब? हाँ। अच्छा, शकील काइट क्लब लड़ाया, उसके बाद फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया, 4-5 साल पतंगबाजी छोड़ दिया। अच्छा, और फिर उसी के बाद फिर हमको बनाने का प्रैक्टिस आ गई, तो बाबू टेलर हैं उस्ताद, तो उन्हीं के पास जाते थे। अच्छा, तो बनाना तो हमको आता ही था, मगर रेफरली बहुत जानकारी नहीं थी, साफ हाथ नहीं था, आइडिया था। हाँ, बाकी हमें रंगत जोड़ने का तो बहुत शौक था। अच्छा, कम से कम हर मतलब लॉकडाउन में हमने इतने रंगत जोड़े हैं और सब जोड़े हैं फेविकोल से, और रंगत जितने भी हम जोड़ते हैं ज़्यादातर सब फेविकोल से जोड़ते हैं, ले से रंगत हम जोड़ते ही नहीं हैं शुरू से अंत तक। अच्छा, तो इसलिए हम ज़्यादातर रंगीन के बहुत शौकीन हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में आपने 10 से 15 साल पतंगबाजी की? हाँ, तो चले 10 से हाँ 15 साल। उस दौरान आपने पतंगबाजी मतलब पतंग बनाई? नहीं। तो 10-15 साल आपने पतंगबाजी की, तब तक आप पतंग नहीं बनाते थे। हाँ, जब आपने पतंगबाजी छोड़ी, हाँ, उसके बाद आप इस लाइन में? हाँ हाँ, मतलब जब 10 साल पतंगबाजी मतलब 5-6 साल बाद पतंगबाजी छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर हमको जुनून हो गया थोड़ा सा बनाने का। अच्छा, पहले हमने रंगत जोड़ना चालू किया। अच्छा, रंगत पतंग बनाने जोड़ने का हमें बहुत शौक था, फिर हमने रंगत जोड़ना चालू कर दिया, रंगत के बाद फिर हमने पतंग बनाना चालू कर दिया। अच्छा, फिर हम बाबू टेलर के पास जाने लगे। अच्छा, वो उस्ताद हैं, फिर उन्होंने हमको थोड़ा सा आप उन्होंने शागिर्द बना लिया। हाँ, फिर उन्होंने हमको सिखाया। फिर एक हमारे दोस्त थे मीना, वो शक्ति चौराम रहते हैं, वो भी पतंग बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, तो वो भी हमारा दोस्त है, तो जो कुछ कमी रहती थी वो हमको बताता था। अच्छा, तो उससे भी हमको काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। अच्छा, उसकी लाइफ भी हमको मिली है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों आदमी बाबू टेलर और मीना ने। अच्छा, लक्ष शर्मा के नाम से मोहर है उसकी। मतलब आपकी पतंगबाजी के पीछे इन दोनों सज्जनों का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, आप उनको अपना आइडल गुरु मानते हैं? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो रिंकू, जहाँ तक हमें पता आप ऑल इंडिया भी लड़ाए हैं कि? ऑल इंडिया में लड़ाया है। ऑल इंडिया आप लड़ाए, किस स्तर में लड़ाए थे? अब ये तो भैया हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हाँ, है। हम मथुरा भी लड़ा चुके हैं, वृंदावन भी लड़ा चुके हैं, दिल्ली भी लड़ा चुके हैं, और आपके लखनऊ भी लड़ा चुके हैं। मतलब हमने ऑल इंडिया लड़ाया है, और ज़्यादातर ऑल इंडिया हमने शकील काइट क्लब इलाहाबाद वाले उन्हीं के साथ लड़ाया है। हाँ, मथुरा भी उन्हीं के लड़ाया, वृंदावन भी उन्हीं के लड़ाया, दिल्ली भी उन्हीं के लड़ाया, लखनऊ में भी लड़ाया, तो उन्हीं के लड़ाया। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि पतंग की। तो जैसा कि पतंग हम देख रहे हैं, इसमें मुझे कोई भी पतंग जो है एक भी प्लेन नज़र नहीं आ रही, जैसे काली नीली पीली लाल होती है। आपकी सारी पतंगें बहुत फैंसी और बड़ी अच्छी लगती है सब में। देखिए दूर से देख सकते हैं, शायद किसी को ना दिख रहा हो ये कागज, ये देखिए, ये देखिए इधर इसमें लिखा है, ये दूसरी में दिखा देते हैं, देखिए इसमें बताइए ज़्यादा, ये दिखा, ये देखिए ये अद्धी है। ये देखिए आपने हमेशा पौनी में गुटाई देखी होगी, पर ये देखिए अद्धी का फरमा है। और ये देखिए अद्धी पे कितना प्यारा काम किया, आप ये देखिए,
इतनी लाजवाब अद्धी जो है शायरी कोई बनाता हो, अद्धी पे कोई बहुत ज़्यादा सफाई नहीं दे पाता, पर आप देख सकते हैं इस अद्धी में कितना प्यारा काम, इसे दोबाज बना दिया गया और पीले रंग का देखिए काम है और प्लस के ऊपर गुटाई है, और पतंग आपको ये दिखा सकते हैं, ये देखिए रिंकू भैया की कला। रिंकू भैया ऑर्डिनरी चीजें नहीं करते हैं, जहाँ तक हम मानते सब हटके काम प्लेन सभी बनाते हैं, प्लेन सभी बनाते हैं, रंगत अलग सब बनाते हैं, प्लेन जलनी रंगत जोड़ते हैं, हमारा रंगत सबसे हटके रहता है, हटके रहता है। हाँ, क्योंकि आपने देखिए कठिन कार्य चुना है जिसमें ज्यादा मेहनत है, गुटाई जुड़ाई गुलाई प्रिंटिंग बहुत सारा काम है, और पतंग भी बड़ी शानदार आपकी रहती है, और आपकी पतंग भी जो है हम बहुत जल्दी मिलती नहीं है बाजार में, नहीं क्योंकि आप दुकानदारों को जैसा हम देते नहीं है, आप किसी की जैसे हमारी फरमाइश होगी, हमने बोला रिंकू भैया हमने बना दिए 50-100 तो आप उस पर बना रहते हैं, क्योंकि आप दिन अच्छा दिन भर में कितनी पतंगे वैसे बन जाती होंगी रिंकू भैया? दिन भर में वो भी कच्ची बनाते हैं 20 पतंग, कच्ची 20-25-30 जैसा काम हो गया वैसे बना लिया, 30 पतंग तो रफलेली ये बना लेते हैं, एक दिन में 30 बन जाती है, लेकिन कच्ची रहती है, कच्ची रहती है, फिनिश नहीं रहती, वो दूसरे दिन फिनिश रहेगी, तो दो दिन का एवरेज 30 मान लिया जाएगा, हाँ 30 दो दिन होते, एक दिन का 15 पकड़ लिया, 15 पतंग, तो मतलब कि 15 अगर एक दिन में पकड़ते हैं तो आपको 450-500 पतंगे, 450-500 पतंगे जो बना रहा है तो सोच लीजिए कि, और जो मेकर होते हैं जो सिंपल पतंगे बनाते हैं वो 400-500 या 250-300 एवरेज दिन हफ्ते भर में बना हफ्ते भर में बना लेते, तो वही आप समझिए जो महीने में काम करता है एक हफ्ते में करते हैं, तो उनका चालू काम है हमारा फैंसी है, वही बात है काम उनका, यही कहने मतलब कि वो क्वांटिटी में डील करते हैं, आप क्वालिटी में डील करते हो, जो क्वालिटी देगा वो समय लेगा। हाँ, वो तो रिंकू भैया आपके पास कई सारे फर्मे होंगे, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना फर्मा होता है, हर एक कारीगर का, तो आपके पास फर्मा कौन सा है? ये देखिए कितनी शानदार पतंग है, ये देखिए इस पे आपने रिंकू भी लिख रखा है। हाँ, ज्यादातर अगर किसी को अगर दिख रहा हो तो इन्होंने गुटाई के जरिए अपना सिग्नेचर इसमें दिया रिंकू, ये देखिए बहुत शानदार, मुझे पास मैंने जब नजदीक की पतंग तो मुझे दिखा रिंकू, तो मतलब कि अब तक हमने देखी एक बहुत स्पेशल चीज आपकी पतंग में देखी, मेकर क्या करते हैं या तो सिग्नेचर कर दिया, मुहर मार दी या कोई भी स्टैंप लगा दी, ऐसे ही वो करते हैं, हाँ। लेकिन आपने गुटाई के जरिए अपना नाम लिखा है, हाँ। तो ये बिल्कुल चीजें आपको हटके बनाती है, दो दो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल हटके बनाती है, हाँ। पहला कि आप प्लेन में डील नहीं करते, डील नहीं करते, बिलीव करते हो, दूसरी जो आपने आपको साइन है ना ये मुझे बहुत, ये तो बाबू टेलर के यहाँ लिखते हैं बी टेलर, अच्छा तो उन्हीं के यहाँ रहते रहते हम भी अपना घिस के लिखना चालू कर दिए, मतलब कि एक बार बताएं आप ही पता है, अगर कोई जैसे मान लीजिए आपके नाम भी कोई डुप्लीकेट ही कर रहा है तो मान लीजिए कोई दूसरा थर्ड पर्सन तो उसको लिखे ना वो घुटाई करके नहीं लिख पाएगा, यही वो फंस जाएगा, तो इसीलिए तो बाबू टेलर का कहानी यही है। बाबू टेलर में तो हमने ये भी देखा कि मुहर रहती है, तो मोहर ये जो आपका साइन था ना ये अद्भुत था, तो उनकी भी लिखी रहती है, यहाँ भी लिखी रहती है, लेकिन आज तक नजरों में नहीं है, आप हाँ। लेकिन नजरों में आनी चाहिए, हाँ। या हो सकता हल्का फुल्का लिखते हो, लिखती है वो, मतलब हम जो लिखते हैं ना तो हमें बहुत मेहनत लेके लिखना पड़ता है, क्योंकि हम इतनी गड़ा के लिखते हैं कि ऐसे दिखता रहे, आपका देखिए साइन झलकता रहेगा मिस्टर इंडिया की तरह, और जो कि अजंता में इतना खूबसूरत कभी नहीं आता, जो इतने लोग घोटते रहते हैं, थोड़ी सी रोशनी कम है लेकिन बिना रोशनी देखिए अजंते कागज में इतनी घुटाई कोई नहीं लाएगा जितनी हमारी पतंग में घुटाई है, इतना गड़ कोई नहीं करता, अरे इतनी प्यारी अद्धी को दे पाएगा, मेरा तो सवाल उनसे कोई इतनी प्यारी अद्धी दे पाए, अद्धी में किसी ने इतना काम किया है सर, ये तो मैं देख रहा हूँ कि क्या शानदार काम है, वाह है रिंकू भैया बहुत मेहनत है आपकी काम में, ओ अजंता में इतना घुटाई कभी कोई नहीं लाता है, आजकल तो सब खटीमा मार के आज वो अद्धी दे देते हैं, ये देखिए ओरिजिनल अजंता पेपर और ये देखिए घुटाई और ये देखिए प्यारी पतंग है, अगर कोई कलेक्शन रखने का शौकीन हो कहीं का भी तो प्लीज़ इस पतंग को कंसिडर जरूर करेगा, आपके कलेक्शन में चार चांद लगा देगी, मतलब इजाफा ही करेगी आपके वार्डरूम में, ये देखिए कितनी प्यारी पतंग, अगर मुझे मिल जाए रिंकू भाई मैं कसम से इसको ना हुआ, क्योंकि नहीं तो आप लेगी ना आप अगर कट जाएगी रात का नींद ना आने वाली, आप लेते जाइए, हम दे देंगे नहीं बोल रहे लेकिन कलेक्शन के लिए आप लेते जाइए, ये तो हम सैंपल में बना देते हैं बस हो गया, लेकिन बहुत प्यारी पतंग बनाएगी, वो तो दिल्ली वाले को सैंपल में देना था तो एक एक पतंग बना दिया, वो नहीं उनका ऑर्डर आप उनका ऑर्डर फुलफिल कर लीजिए, बाकी हम तो घर के हैं तो कभी नहीं मिल जाएगी, मीडियम
फरमाए गोल में, ये सब ऑर्डर पे है। हाँ, ये कहाँ का ऑर्डर भी है? ये दिल्ली का है। दिल्ली का ऑर्डर? हाँ, इसको नहीं, नहीं बड़ी दूर का ऑर्डर लिया आपने। अधी और कौन, हम मेरठ और ज़्यादातर मेरठ का तो अभी ऑर्डर पूरा करना है, उनकी भी गोल फरमा। लोकल सब हमारी सब बाहर की है। पतंगे ज़्यादातर देखिए प्रयागराज में नहीं, ऑल ओवर, मतलब कि इलाहाबाद से बाहर जाती है। हमारी लोकल पतंग कोई खरीद ही नहीं पाता, खरीद ही नहीं पाया क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव रहती है। और ये देखिए क्यों रहती है महंगी, उसका कारण ये है। इस पतंग को अगर हम फील कर रहे हैं, बहुत शानदार पतंग है, दूर पास नहीं कर। ये एक दूसरा गोल फरमा है, दोनों एक फरमे की पतंग है, आप खुद ही देखिए। एक प्लेन दिखी तो हमको आपको दिखा रहे हैं, हर प्लेन दिखा रहे हैं। एक प्लेन मिल गई मुश्किल से, नहीं तो इनके पास प्लेन ढूंढना तो मतलब रेत में चाबी ढूंढने के बराबर है। ये देखिए, लेकिन ये भी आपने बड़ी, इसमें बड़ी तगड़ी कुटाई की आपने, बहुत शानदार। सब एक फर्मे की, सब एक फर्मे की। भैया बोला बैग ले आओ अंदर से। ओए देखिए रिंकू भी अंदर से एक और बैग मंगवा रहे हैं, उसमें देखते हैं और क्या कलेक्शन हो सकता है। ये भी किसी ऑर्डर की है? सब वही ऑर्डर की है, सब ऑर्डर की, किसी की जा रही है पतंग। हाँ दोस्तों, ये देखिए किसी की पतंगें जा रही है, इसको फोकस कर लेना एक बार। ये देखिए एक बार ऊपर से हल्के हल्की दिखाया है, ज़्यादा नहीं खोलेंगे। अरे निकाल लीजिए, अरे सब निकाल के बनवा लीजिए। ये देखिए सब ऑर्डर की है, सब जा रही है बाहर। ये देखिए सब पौना है ना, सब पौनी है, सब पौना है। जिसने भी बनवाई है मतलब कि रंगीन मिजाज का है थोड़ा सा पतंगबाजी में। प्लेन तो पसंद ही नहीं की उसने। रंगीन मिजाज का मतलब यहाँ पे कि मतलब कि फैंसी पतंगे पसंद करते हैं, उसका गलत अर्थ ना ले कोई। कितनी पतंगे हैं? ये है 200 पतंगे, 200 पतंगे। ये देखिए देखिए कि दो बार देखिए, सब मैं नाम, ये सब मैं टोटल में नाम गोटी हुई। ये कैसे कोरी, जैसे ये तो बैग में ऊपर तो कार्टून को लगाते होंगे, लेकिन ऐसी सब बस से चला, बस से चली जाती है, कोरियर सिस्टम नहीं पालते। सही है, बस पे लगा दिया, बस चलिए, बस कंडक्टर को समझा दी कि भैया इसमें नया चीज़ें हैं। नहीं तो हमारी बस एक एरिया सेट है, और उससे बस फ़ोन करके पूछ लेते हैं। बस करिए रिंकू भी मेरा हाथ दर्द करने लगा, 200 पतंगे हैं, वजह ले आती पतंगों का भी। डाल दीजिए, रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आप दिखा दीजिए, इसको आप दिखा दीजिए, छोड़ दी, छोड़ को दिक्कत नहीं, इसको आप दिखा दीजिए, अलग अलग उठाइए इसमें। अगर ये पतंगे जो आप देख रहे हैं, अगर ये पतंगे आपको चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा हो, आप उस पर कॉल करके रिंकू भाई की पतंग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बैठो हमारे, ऐसे सारी पतंगे मैंने आपको दिखा दी, देखिए सारा ब्लैक कलेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे लगा दो, आ रहा है, दो मिनट। और रिंकू भाई की ओरिजिनल पतंग को सबसे बड़ा राज है, रिंकू दिखा बड़ा गड़ा के सबको, बहुत शानदार पतंग है दोस्तों। ये देखिए ये रिंकू जी का छोटा सा बेटा है, तुम भी पतंग उड़ाते हो है? पढ़ाते हो? अरे बाप, ये देखिए नन्ना मुन्ना जो है
रिंकू ये का बेटा है, ये भी कह रहे हैं पतंग। कौन सी पतंग उड़ाते हो? ये वाली उड़ा लेते हो? ये वाली उड़ा लेते हैं। ये वाली उड़ाते हो? अरे वाह, आपका नाम क्या है बेटू? नाम बताओ। ये देखिए अद्धी और शर्मा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अद्धी। अभी पानी जिसे भी चाहिए ये रंगीन पतंग अभी अभी के ना करें फिर पानी की अभी कलेक्शन थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत है ना। तो दोस्तों अगर पानी किसी को भी पतंग चाहिए इस तरीके की प्यारी रंगीन डिजाइनर दार पतंग, तो रिंकू भैया की पतंग प्राप्त कर सकता है। स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करें और जो पतंग जो है रिंकू भैया, जैसे किसी को 100 पतंगें चाहिए है तो कब तक अवेलेबल हो जाएगी? 100 पतंग मान चलिए कम से कम 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन तो दोस्तों अगर इनकी पतंग, हाँ इसको जोड़ चाहिए, हाँ इस... तो 20 से 25 दिन का समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 पतंगों को ऑर्डर है या अगर 50 पतंग किसी को चाहिए तो भी मिल जाएगी? नहीं नहीं मिलेगी, 50 नहीं मिलेगी, 50 का काम नहीं करेगा। 100 पतंग दोस्तों मिनिमम ऑर्डर रहेगा, वो होगा 100 का, और आपको देना पड़ेगा 20 से 25 दिन में, क्योंकि इसमें समय लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 300 से 400 पतंगे ही ये महीने में कुल बनती है, और भी ऑर्डर्स रहते हैं, तो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको इतना समय देना पड़ेगा, है ना? हाँ भाई। अच्छा एक चीज मुझे पूछनी थी, ये मेरा पर्सनल सवाल था कि जैसे कोई भी लड़का बच्चा 18-20 साल का पतंगबाजी कर रहा है या बहुत समय से कर रहा है, तो अगर वो पतंग खरीदने जाए तो वो क्या उस पतंग में देखे कि जैसे कोई खींच का प्लेयर है, कोई खींच का प्लेयर है जैसे हम ही खींच के, तो हमें ऐसी पतंग में क्या देखना चाहिए कि हाँ ये मतलब मेरे मतलब की है? क्योंकि दुकान पे आप जाते हैं आपको हर तरह की पतंग टाई ढीली टेढ़ी मेढ़ी सब मिलती है, और भाई दुकानदार ने 50-60 पतंग रखी है, अब आपको उसमें से चुननी है, उसमें खराब भी हो तो लेकर जाओ, तो दुकानदार छांटने ज्यादा दे भाई, अच्छा अच्छा चाप ले जाओगे तो वो क्या करेगा, मलाई मलाई आप छांट ले जाओगे वो कच्चे दूध करेगा क्या? अच्छा हमारी पतंग में ये क्वालिटी है कि हमारी पतंग आप कन्ना मान लीजिए, पतंग अगर घूमेगी भी, हाँ घूमेगी भी तो थोड़ा बहुत घूमेगी, अगर नहीं घूमती है तो इसकी क्वालिटी ये है कि आप कन्ना बांधिए चाहे जितनी तेज हवा है आप उड़ा लेंगे तो पतंग आसमान में तनी रहेगी, ये हमारी पतंग क्वालिटी है। अच्छा। चाहे जितनी घूमेगी, हाँ मगर हमारी पतंग क्वालिटी ये है कि पतंग इससे तनेगी। अच्छा। जैसे बहुत लोगों की पतंग होती है उड़ाइए हवा थोड़ा तेज हो गई तो घूमेगी तो तनती नहीं है, हमारे अंदर ये क्वालिटी है पतंग में। और हमारा क्या खुदरक है कि हमारा लक अच्छा है कि मैं चाहे जितनी सड़ी सड़ी पतंग भी बना दूंगा मगर मेरी पतंग तनती है, हल्की बनाए चाहे तगड़ी बनाए पतंग तनती है, और हमने ये चीज कई बार आजमा चुका हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि होता क्या है जैसे आप छत से उड़ा रहे हैं, मान ली छत पे तो होता है कि कोई देर से देर मैदान तो है नहीं कि हर 2 मिनट में पतंग हाँ। जाएगी, तो छत पे क्या होता है मान लीजिए आपने एक पतंग किसी को काटा, अब वो जवाब छोड़ने में 10 से 15 मिनट लगा रहा, तब तक आप संघर्ष करते रहिए, तन भाई वो पतंग अगर तन नहीं रही है तो आपको उसका मुड्डा सीधा रखने के लिए 15 मिनट तक जूझना पड़ेगा। हाँ जूझना पड़ेगा। तन रही है तो आपने कहीं बांध दिया, आप आराम से गेम खेल लिया, बैठे कुछ भी, बस हो गया। जब जवाब आया तो आप लड़ाइए, लड़ाइए। ये चीज बहुत अच्छी थी कि पतंग तन रही है, हाँ ये चीज सेफ रहती है, तनती है तो कई लोगों से ऊपर चली जाती है, और अगर 3-4 पतंग अगल बगल है दबी रहे उधर से कट जाए सेफ, और फिर उससे ज्यादा आदमी परेशान रहेगा, परेशान संभालता रहेगा संभालता रहेगा, उसका हाथ ही दर्द करने लगेगा, एनर्जी जा रही। तो ये बहुत बड़ी चीज आपने बताई, पतंग तनती रहती है तो हर आदमी यही चाहता, और कई लोग जैसे आपने बोला कि ना घूम रही है फिर भी तनती है, हाँ ये तो सही कहा, कुदरत का ही है ना, ऐसा होता नहीं। आप उड़ाते हैं खुद बताइए, आप कोई पतंग घूमती है तो जल्दी तनती है वो पतंग? नहीं तनती है, ही नहीं पैदा। हमारी पतंग लेके जाइए हम आपको देते हैं, सीधी भी होती है, किसी की काम बिल्कुल सीधी खींचा वो भी पतंग नहीं तनती, तनने वाली पतंग कुछ अलग ही अलग ही होती है, मगर हमारे पतंग क्या यही खासियत है, चाहे हम अद्धी बना ले चाहे पौनी बना ले चाहे अद्धी से छोटी टांगने के लिए बना ले वो भी यही हाल है। नहीं तो अभी तो मेरे पास 5-5 साल की पतंग रखी है, हम आपको दिखा देंगे फिनिश नहीं किए हैं, मगर आप ताजुब मानेंगे कि पतंग ये अभी भी समझ लीजिए वैसे वैसे रखी है, यहीं रखी होगी यहीं पे होगी, पलटाई करना छोड़ दिए, मचान में रखी है क्योंकि पतंग में सुखड़ा ना आ गई,
शुक्ला ना दिया नीचे की पतंग में शुक्ला ना गई, छोड़ दिया पलटा ही। तो ये तो चलिए ये था गुड़ के आपकी पतंग तनती है ये तो बात, लेकिन मेरा सवाल ये उस समय था कि अगर कोई प्लेयर खींचता है तो वो पतंग ने क्या देखे, क्योंकि देखिए जो खींच वाले पतंग देखे खींच वाले क्या है, देखिए आदमी को मीडियम पतंग उड़ाना चाहिए खींच वाले के लिए। हाँ अच्छा। मीडियम से क्या है, खींच वाला हमेशा खींचते खींचते फंसता भी है। हाँ। जब उसकी पतंग में जानी नहीं रहेगी। हाँ। तो फंस जाएगा तो करेगा क्या, कट गया। बीच की पतंग उड़ाए रहेगा तो खींचने में हल्की हो जाएगी और जब चक्कर लेगा मजबूत हो जाएगी। मगर ये सब पतंगें बहुत कम कारीगर की होती है, ये पतंग में हमारी आपको मिलेगी। आपकी तो सारी पतंग हम देख रहे हैं मीडियम है, कोई हमको ऐसी कोई बहुत टाइट पतंग नहीं मिली। तो हमारी मीडियम है कि यही खेल है। आपकी बिल्कुल मीडियम है कि फंस के भी और खींच के भी। ये पतंग आपको ये मीडियम है। अब ये पतंग की हम आपको गारंटी ले सकते हैं, इस पतंग को आप 1000 गज पर फंसा कर लड़ा लीजिए मगर आप सोच नहीं सकते इस पतंग को। मगर जिस समय ये जाएगी पतंग धीरे धीरे ये डोर लेती हुई जाएगी और ये पतंग मजबूत होगी, और जिस समय इसको खींचेंगे ये हल्की हो जाएगी और चक्कर लेंगे ये पतंग मजबूत होगी। अच्छा ये है हमारी पतंग में कहानी। एक ही पतंग में सारी क्वालिटी, खींच का हो फंसा के हो। हाँ इसलिए जो एक दो लोग दो तीन लोग जो हमसे लेते हैं, जैसे कादिर एलवाई वाला कासिम है। हाँ, कासिम कासिम के पास अभी भी मेरी 2-3 साल 4 साल पुरानी पतंग पड़ी है। अभी जो ऑल इंडिया उठाया था लखनऊ वाला। हाँ। उसमें हमने टूर्नामेंट लड़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके 2022 में उठाया था। हाँ ये आपकी है भारत वाली 20 पतंग थोड़ा थोड़ा करके बना के भाई हमारा दोस्त है 20 पतंग 10 पतंग सब प्लेन पतंग बनाया था। अच्छा तो नहीं ये संगम का टूर्नामेंट में भी आपकी पतंग चल गई हो? नहीं दिया तो 10 पतंग दिया तो था, दिए थे 10 पतंग दिए थे, मगर वो हमारी पतंग नहीं लड़ाए, नहीं लड़ाए वो, थोड़ा बहुत शायद बाबू टेलर की पतंग लड़ाए हैं। अच्छा। मगर ज्यादातर वो सब लड़के अपनी पतंग खुद लड़ाए हैं। तो दोस्तों ये थे रिंकू भैया, रिंकू लेफ्टी के नाम से जैसे आप सब जानते हैं, और इनके देखिए बेशकीमती नया पतंगे हैं, और इनकी पतंग अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कम से कम नहीं तो 20-25 दिन का समय देना होगा, क्योंकि ये पतंग बनाने में 10-12 पतंग ही एक दिन में मैक्सिमम बन पाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत काम होता है। और देखिए अभी भी ये देखिए पतंग का, ये देखिए इनका जो है 8 किलो ने रखा है, अभी इसमें स्टार भर में है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकी चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी समय लगता है। रफ पतंग अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आपको शानदार कलेक्शन के लिए और आप दूर के पतंग लड़ाते हैं 1000 मीटर 1500 गज, तो रिंकू भैया की पतंग सबसे बेस्ट रहेगी। और रिंकू भैया ने एक चीज़ और बोली, इनकी पतंग चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी पुरानी हो नई हो, उड़ा दीजिए कि इवन नाच भी रही होगी तो भी वो तनती है। तो ग्राउंड हो गया, छत हो गया, हर आदमी से बड़ा परेशान होता कि पतंग तनती नहीं। तो ऐसी पतंग है सबको चाहिए तने। तो अगर इनकी पतंग आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर कॉल करिएगा। तो रिंकू भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना की, क्योंकि आपका समय पूरे दिन में 10-15 ही पतंग बनती, तो आपके पास समय काफ़ी कम रहता, फिर भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया काइटबाजी को। तो दोस्तों ये थे रिंकू भैया, रिंकू लेफ्टी जिन्हें आप सब जानते हैं। तो इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, तो रिंकू भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो एक बार जरूर हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दी, क्योंकि आपकी बात कोई नहीं काटेगा। एक बार जरूर बोल दीजिए भैया इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाकी अब मेरी पतंग आपको बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ। और आपकी पतंग तो सबको अच्छी लगती है, बस ये कि मिलती नहीं है। हाँ, मिलती तो नहीं। पतंग अगर आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रिंकू भैया के ओरिजिनल पतंग का मार्का यही है कि वो खुद रिंकू लिखते हैं गुटाई से, तो कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, क्योंकि रिंकू भैया हमारे साथ खुद मालिक जब समय बैठे हैं तो फिर डुप्लीकेसी होगी कहाँ से। तो रिंकू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, शुक्रिया।